नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी एजुकेशनल चैनल पे। दोस्तों आज हम 15 नवंबर 2017 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे इस वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। देखिए पहला अपडेट जो निकल के आता है वो आता है अफगानिस्तान से रिलेटेड, यानी अफगानिस्तान पर 7वां क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन का शुरुआत हो चुका है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो सम्मेलन है ये 7वां क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन है जो तुर्कमेनिस्तान के असगाबात शहर में आयोजित किया गया है 14 नवंबर 2017 को। इसमें 40 देश के राजनीतिक और व्यापारिक नेता सम्मिलित हो रहे हैं जो आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा देखिए 30 क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि वर्षों से हिंसात्मक संघर्ष से जूझ रहे थे, ठीक है, तो वो अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्मित करना चाहते हैं, इसके लिए अपना वहाँ पर प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे। तो ये था पहला अपडेट। दूसरा है पाकिस्तान से रिलेटेड। देखिए पाकिस्तान के क्रिकेटर खिलाड़ी साइद अजमल ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। देखिए साइद अजमल ये स्पिनर गेंदबाज थे पाकिस्तान के, ठीक है। ये एक समय वनडे और T20 में अंतर्राष्ट्रीय जो मैच होता है वनडे और T20 का उसमें दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज रहे थे और ये टेस्ट मैचों में भी काफ़ी सफल रहे थे। देखिए हुआ क्या था, ICC ने उनका गेंदबाजी एक्शन था उस पर गैर कानूनी करार दिया था और उन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उन्होंने बदलते हुए एक्शन के साथ, यानी उन्होंने अपना एक्शन बदला और उसके साथ उन्होंने 2015 में फिर से वापसी की थी। तो अजमल ने क्या, देखिए अजमल 35 टेस्ट मैच खेले हुए हैं जिसमें से 178 विकेट लिए हैं, 113 वनडे में और 184 विकेट लिए हैं उन्होंने 113 वनडे में, और 64 T20 मैचों में अंतर्राष्ट्रीय में उन्होंने 85 विकेट लिए हैं, यानी उन्होंने अब तक 118 मैच खेले हैं, 35 टेस्ट मैच खेले हैं, 113 वनडे मैच खेले हैं, उसके अलावा उन्होंने 64 T20 मैचों में जो है 85 विकेट इन्होंने लिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपके लिए जो पाकिस्तान से रिलेटेड है। उसके अलावा अगला जो अपडेट है दोस्तों वो है 37वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले से रिलेटेड, यानी 14 नवंबर 2017 को 37वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले यानी IITF का शुभारंभ नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया है। देखिए इस मेले में 3000 से अधिक जो भागीदार होंगे वो इसमें भाग लेंगे। जो मेले का सहयोगी देश है वो है वियतनाम। उसके अलावा इसमें जो फोकस देश होंगे वो होंगे किर्गिस्तान और सहयोगी राज्य जो होगा वो है झारखंड। इस मेले में 22 देश जो है हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ उनके नाम दिए हैं अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, टर्की, किर्गिस्तान, नीदरलैंड, UAE, UK और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। देखिए इस मेले की थीम क्या है, वो है स्टार्टअप और स्टैंडअप, इस मेले की थीम है। इस मेले का जो आयोजन है वो भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित हो रहा है। यह मेला प्रगति मैदान में 14 से लेकर 24 नवंबर तक आयोजित होगा, ठीक है। अब अगला अपडेट जो है दोस्तों वो है भारत के पूर्वोत्तर राज्य से रिलेटेड। देखिए भारत की प्रथम एयर डिस्पेंसरी पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए स्थापित की जा रही है। देखिए स्थापित इसलिए की जा रही है क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर और चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर ऐसे ज़रूरतमंदों के लिए इलाज की या चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये उपलब्ध कराई जाएगी हेलीकॉप्टर के द्वारा, यानी हेलीकॉप्टर में एयर डिस्पेंसरी स्थापित की जाएगी। देखिए केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास यानी डोनर मंत्रालय ने इस पहल के लिए अपनी जो आरंभिक वित्त पोषण है उसे रिलीज कर दिया है। 25 करोड़ रुपये का योगदान इसमें दिया है। इसके बाद अगला जो अपडेट है वो है दंतेवाड़ा से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ में एक शहर है दंतेवाड़ा, एक जिला है, वहाँ पे 14 नवंबर को भारत के वैश्विक आदिवासी उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यानी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पहला वैश्विक आदिवासी उद्यमिता सम्मेलन शुरू किया गया है। तो यह पहला आदिवासी उद्यमिता सम्मेलन है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्टार्ट किया गया है 14 नवंबर को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इसके लिए, और इसमें केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी राज्य मंत्री YS चौधरी इस सम्मेलन के जो है मुख्य चीफ गेस्ट हैं। उसके अलावा इस सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्लोबल बिजनेस इंक्यूबेटर कंपनी के सहयोग से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान
यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिटेशन एरोमेटिक प्लांट और डिफेंस फूड ऑर्गेनाइजेशन की भागीदारी होगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ यही है कि सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग द्वारा और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्लोबल बिजनेस इंक्यूबेटर की कंपनी जो है उसके सहयोग द्वारा किया जा रहा है और यह पहला वैश्विक आदिवासी उद्यमिता सम्मेलन है जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शुरुआत किया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है नेपाल से रिलेटेड। 14 नवंबर 2017 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में 10वां एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन शुरू किया गया है 10वां काठमांडू में नेपाल के। तो ये न्यूज़ है 10वां दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन काठमांडू में शुरू हुआ है 14 नवंबर को। इसके बाद यह 3 दिवसीय सम्मेलन है और इसका जो विषय है जो इसका सब्जेक्ट है वो है डीपनिंग इकोनॉमी इंटीग्रेशन फॉर इक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन साउथ एशिया। तो जो इस सम्मेलन का जो विषय है वो है डीपनिंग इकोनॉमी इंटीग्रेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन साउथ एशिया, यानी दक्षिण एशिया में समावेशी और सतत विकास के लिए आर्थिक एकीकरण बढ़ाना, यह इस सम्मेलन का 3 दिवसीय सम्मेलन का थीम है। और शिखर सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय योजना आयोग, नेपाल के वाणिज्य मंत्रालय और साउथ एशिया वॉच ऑन ट्रेड, इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट नेपाल द्वारा किया जा रहा है। देखिए दक्षिण एशिया आर्थिक सम्मेलन का जो शुरुआत हुआ था वो 2008 में हुआ था। यह क्या है, ये एक आर्थिक यानी एक आर्थिक विकास के लिए और क्षेत्रीय विकास आर्थिक और विकास के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक क्षेत्रीय मंच है। दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन एक क्षेत्रीय मंच है जो आर्थिक और विकास के मुद्दे पर चर्चा करता है दक्षिण एशियाई देशों के लिए। इसके बाद अगला अपडेट जो है वो है भारत और फिलीपींस के से रिलेटेड। भारत और फिलीपींस ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें क्या हुआ है, इसमें रक्षा कृषि लघु उद्योग और राजनय के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए जो है हस्ताक्षर या समझौता हुआ है। तो वो 4 क्षेत्र हैं, रक्षा कृषि एवं लघु उद्योग राजनय क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र इसमें शामिल हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने भारत के और फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिंगो दुर्तेते के बीच मनीला में यह जो बैठक हुई है ये मनीला में हुई है, द्विपक्षीय बैठक है, इसमें समझौता पे हस्ताक्षर हुआ है। मोदी 15वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन एवं 12वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए 3 दिवसीय यात्रा पर इस समय फिलीपींस पहुँचे हैं। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था भारत और फिलीपींस रिलेटेड कि उन्होंने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें रक्षा कृषि और लघु उद्योग या राजनय के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए यह समझौता या हस्ताक्षर हुए हैं। अगला अपडेट है अपने क्षेत्रफल और जनसंख्या के साथ विमुद्रीकरण के उपरांत यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड यह न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश में जनधन खातों की संख्या सबसे अधिक है। तो अपने क्षेत्रफल और जनसंख्या के साथ विमुद्रीकरण के उपरांत प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी PMJDY खाते खोलने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, यानी स्थान की सूची में सबसे पहले स्थान पर है। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने पिछले साल यानी 1 साल में 2.2 करोड़ नए खाते जोड़े हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में जमा राशियों का लगभग 6वां भाग उत्तर प्रदेश से आया है। तो देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते की कुल संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ और बिहार में 3 करोड़ पार कर चुका है और असम, गुजरात, झारखंड और कर्नाटक में संख्या भी 1 करोड़ पार कर चुकी है। अभी मतलब जो बिहार का क्षेत्र है और जो यूपी का क्षेत्र है इन दोनों में यूपी में 4 करोड़ और बिहार में 3 करोड़ की संख्या पार कर चुकी है प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता खोलने के जो कार्यक्रम थे, जो योजना थी। और असम, गुजरात, झारखंड जैसे राज्य जो हैं, कर्नाटक जैसे, ये अभी 1 करोड़ ही पार कर पाए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी 15 नवंबर 2017 की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।